हाय एवरीवन, मैं सुहानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है फर्स्ट पार्ट है और इस सेक्स एडुकेशन में, इस सीरीज में मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे बातें जो है शेयर करने वाली हूँ, बहुत आपको नॉलेज मिलेगा। चलिए आज का फर्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सेक्स जो होता है बहुत ज़्यादा नेचुरल होता है, नॉर्मल है, लेकिन हमारे इंडिया में ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और ये सेक्स फ्री कंट्री बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हम सड़कों पे पेशाब करें तो एकदम नॉर्मल सा बात है, लेकिन सड़कों पे अगर हम हग करते हैं किसी को किस करते हैं तो ये बहुत बुरा बात है, बहुत ऑकवर्ड है और ऐसे करने से हमें 10 लोग आ जाते हैं बोलने के लिए कि ये सब क्या चल रहा है। लेकिन सड़कों पे अगर कोई पेशाब भी कर रहा होगा ना तो कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है, कोई गंदगी कर रहा है, थूक रहा है। तो ये जो कंट्री जो है एकदम इनक्रेडिबल है, सभ्यता से भरा हुआ है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, संस्कारी हैं। तो हम बात करते हैं सेक्स, ये जो वर्ड है बहुत ज़्यादा शेम फील कराता है सबको, क्योंकि हमें ऐसे ही सिखाया जाता है और बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड भी फील कराता है जब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसा जो है सिर्फ हमारे इंडिया में ही है, बाहर बिल्कुल भी नहीं है। बाहर इसके बारे में सबके पेरेंट्स जो है हर एज में, उनको जिस एज में इस एडुकेशन को देना होता है वो देते हैं, लेकिन हमारे इंडियन पेरेंट्स जो है इन सब से हमें दूर रखते हैं और इन सब के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है आज के टाइम में। क्योंकि अगर किसी चीज़ का ज्ञान ना हो तो लोग बहुत सारे गलत सलत काम जो है कर बैठते हैं और वो बहुत कम उम्र में ही बहुत पछताने लगते हैं। तो आज का सबसे पहला जो मैं आज सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आज जो है मैं कवर करने वाली हूँ कि आपका सेक्स पहले क्या क्या जानना जरूरी है और क्या क्या करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला नंबर जो आता है सहमति, एग्रीमेंट। आपका पार्टनर अगर आपसे सहमत नहीं है, अगर आपसे एग्री नहीं करता है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स करना नहीं चाहते हो, चाहे अगर आपका बॉयफ्रेंड हो या कोई फ्रेंड हो या कोई स्ट्रेंजर हो या आपका वो हस्बैंड ही क्यों ना हो, अगर आप इसमें सहमत नहीं हैं तो बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा लोगों को लगता है कि मूड बन जाएगा, नहीं, मूड नहीं बनता है। अगर आप इसमें सहमत नहीं हो, अगर इसमें आप एग्री नहीं करते हो अपने पार्टनर को, तो बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को लगता है कि किस करने से शायद वहाँ तक चले जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर जहाँ तक अगर आपका पार्टनर आपके साथ एग्री होता है, अगर वो किस करना चाहता है, ओरल करना चाहता है, तो वहाँ तक आपको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अगर आपका पार्टनर सेक्स करने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, फर्स्ट टाइम ऐसे होता है जब हम इस चीज़ को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हैं तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और हमारे सामने वाला जो पार्टनर हो जाता है अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो रेडी रहता है और हम रेडी नहीं रहते हैं। तो आपको हमेशा ये चीज़ समझना चाहिए कि अगर आपका पार्टनर रेडी नहीं है, सहमत नहीं है आपसे, तो आपको स्टॉप कर देना चाहिए और आपको भी उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला जो रूल है, जो बात है, अगर आपका पार्टनर आपसे एग्री नहीं करता है, सहमत नहीं है, तो आपको स्टॉप कर देना चाहिए। दूसरा जो बहुत ज़रूरी चीज़ आता है, लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोटेक्शन यूज़ करना बहुत ही ख़राब है, नहीं यूज़ करना चाहिए, वो औरतों को बहुत ज़्यादा, मतलब गर्ल्स पे औरतों पे एहसान कर रहे हैं प्रोटेक्शन यूज़ करके। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत बात है। अगर प्रोटेक्शन यूज़ करते हो तो आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़की को ही प्रॉब्लम हो, लड़का भी नहीं चाहता है कि उसका पार्टनर जो है प्रेगनेंट हो जाए इस एज में, इतना कम उम्र में। तो उनको प्रोटेक्शन यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत सारा इन्फेक्शन, छोटे छोटे इन्फेक्शन फैल सकता है एक दूसरे के साथ। तो हमें जो है प्रोटेक्शन यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट टाइम सेक्स कर रहे हो तो बिना प्रोटेक्शन आपको किसी के साथ ये चीज़ ट्राई नहीं करना चाहिए। प्रोटेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रोटेक्शन के लिए मैं आपको सबसे पहला जो प्रिफर करती हूँ वो है कॉन्डम। तो आपको प्रोटेक्शन के लिए कॉन्डम हमेशा यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो बहुत ज़रूरी पॉइंट है वो ये है कि आपको अपने बॉडी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने बॉडी के बारे में नहीं जानते हो तो आपको उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्स ऐसा चीज़ नहीं है कि बस आप सेटिस्फाई हो गए, डिस्चार्ज हो गया, आपका ऑर्गेज्म हो गया, ये एक चीज़ नहीं होता है। सिर्फ ऑर्गेज्म ही जो है ये सेक्स नहीं होता है,
बहुत कुछ ऐसा होते हैं बॉडी में, और भी चीज़ होते हैं जो आपको सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो आपको अपने बॉडी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उससे ही आपको, मतलब उससे ही आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। सबका अपने अपने नीड्स होते हैं। ऑर्गेज्म जो होता है सबसे आखिर में होता है, मतलब सबसे लास्ट में होता है। उससे पहले जो आपको चाहिए होता है, ये चीज़ आपको एक दूसरे के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या चाहिए और आपके पार्टनर को क्या चाहिए। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने बारे में जानो, अपने बॉडी के बारे में जानो, अपने नीड्स के बारे में जानो कि आपको क्या चाहिए, और इससे आपको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। आप डिस्कस नहीं करोगे, आप अपने पार्टनर को बताओगे नहीं, तो आपको कभी भी सेक्स में जो इंजॉयमेंट जो होता है, सेटिस्फेक्शन जो होता है, वो कभी नहीं मिलेगा, और आप जो है हमेशा अधूरे अधूरे से रहोगे और आप अपसेट भी रहोगे हमेशा। मेरे बॉडी जो है पूरा फुलफिल नहीं हो पा रहा है और कुछ ना कुछ अधूरा रह गया है जो मुझे चाहिए और चाहिए, लेकिन आप बताते नहीं हो। तो कन्वर्सेशन, डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। अपने बॉडी के बारे में जानना, अपने नीड्स के बारे में जानना, और अपने पार्टनर के साथ डिस्कश करना और बताना। बताना मतलब बात, बिना बात किए एक दूसरे के बारे में कोई भी एडवांस में नहीं समझ सकता है। आपको अपने पार्टनर को बताना पड़ेगा और उसके बारे में पूछना भी पड़ेगा, और उसको उस हिसाब से आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इंजॉयमेंट देना पड़ेगा, तो ही जाके आपका पार्टनर जो है सेटिस्फाई हो सकता है। मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिले हैं जिन्होंने बोला है कि मैं अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करता हूँ, खुश करता हूँ, लेकिन मेरा पार्टनर जो है बिल्कुल भी ट्राई नहीं करता है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस तरीके से मैं चाह रहा हूँ। तो ये कम्युनिकेशन जो है, डिस्कशन जो है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी अगर आप है। चाहते हो कि आपको हर तरीके का सेटिस्फेक्शन मिले, तो आपको बहुत ज़रूरी है अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना। उससे जो है बातें क्लियर हो जाते हैं और आप जो है, आपके मन में कोई डाउट नहीं रहता है आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस तरीके से चाहिए, वो आपके दोनों को जो है क्लियर हो जाता है और आप एक दूसरे के बारे में बेहतर समझ सकते हो। तो ये डिस्कस करना, कन्वर्सेशन करना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। बिफोर सेक्स आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सेक्स जो है सिर्फ ऑर्गेज्म ही पाना होता है। नहीं, जिसको हम ओरल बोलते हैं, फोर प्ले जिसे बोला जाता है, बहुत कुछ होता है। सिर्फ एक ऑर्गेज्म नहीं होता है जिससे पाना बहुत ज़रूरी है, नहीं, उससे पहले भी बहुत कुछ होता है जो आपको अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करता है, आपके पार्टनर को खुश करने में, सेटिस्फाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, उसके बॉडी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो ये चीज़ जो है दोनों पार्टनर को समझना बहुत ज़रूरी है और दोनों को करना भी बहुत ज़रूरी है। सेक्स का नाम सुनते ही लोग जो है बहुत ज़्यादा शेम फील करने लगते हैं, एक दूसरे से हटने लगते हैं, छुपाने लगते हैं, हंसने लगते हैं और बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा नेचुरल और एक नीडी चीज़ है जो आपके बॉडी को एक एज में जाके चाहिए ही होता है। और इंडिया में इसको बोला जाता है शादी, मतलब तुम ऑफिशियली शादी करके किसी को लाओ और इस चीज को करो, तो ये एकदम सही है और एकदम अच्छा है, लीगल है। लेकिन अगर आप शादीशुदा नहीं हो, किसी रिलेशन में हो और अगर ये चीज कर रहे हो, तो एकदम गलत है और ये इंडिया के लोगों का मेंटालिटी है, क्योंकि इस तरीके से ही हमें रेडी किया जाता है, हमें हमारे घर में सिखाया जाता है और हमें तब परमिशन दिया जाता है ये चीज़ करने के लिए जब हमें हमें हमारा लीगली शादी कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप सड़कों पे पेशाब कर सकते हो, मूत सकते हो, किसी को मार सकते हो, मर्डर कर सकते हो, तो किसी को हग किस क्यों नहीं कर सकते हो। ये एक शरीर का नीड्स होते हैं जो सबको एक एज में जाके चाहिए ही होता है, इसीलिए जल्दी जल्दी शादी करवा दिया जाता है कि बेटा बिगड़ ना जाए। इसलिए पहले के लोग जो है बहुत जल्दी जल्दी शादी करवा देते थे और बच्चे पे बच्चे होते जाते थे, क्योंकि पहले इतना अवेयरनेस नहीं था, प्रोटेक्शन यूज़ करने के बारे में इतना कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, और ये चीज़ तो सबको चाहिए होता था, और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता था और बच्चे पे बच्चे होते जाते थे। क्यों होते थे? क्योंकि सबको सेक्स करना था, सबको अपने शरीर को सेटिस्फाई करना था, और गलती से बच्चे होते जा रहे थे, होते जाते थे, क्योंकि अवेयरनेस नहीं था कि प्रोटेक्शन भी यूज़ किया जाना, मतलब प्रोटेक्शन भी यूज़ किया जाना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो लोगों को इस बात का इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन उस एज में जो सेक्स चाहिए उस चीज़ के बारे में ये उनको इतना पता था कि बॉडी का ये नीड है और हमें ये चाहिए, क्योंकि हमने ऑफिशियली इसको रजिस्टर ही करा है और शादी करके लाए हैं, ऑफिशियल हो गया है और हम तो खुलेआम करेंगे। तो
तो ये आपने पीके पिक्चर में भी देखा होगा जो एक सीन दिखाता है कॉन्डम वाला। तो यही है इंडिया के लोगों का सोच और इसी को हम सभ्यता बोलते हैं, संस्कार बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं। जो लोग अपने हिसाब से तोड़ मोड़ लेते हैं समाज के रीति रिवाज को तो वो उनका नियम हो जाता है, और जो आज के बच्चे हैं कुछ सवाल कर देते हैं तो वो खराब है, कैरेक्टर लेस है। आजकल के बच्चों में कुछ भी नहीं है, बेशरम हो गए हैं, कैरेक्टर लेस हो गए हैं, बदमाश हो गए हैं, इस तरीके का टैग दिया जाता है। तो ये लोगों का चलता ही आ रहा है, हमें अब से खुद से चेंज होना पड़ेगा, थॉट्स चेंज करने। तो ये कुछ चीज़ें हैं बिफोर सेक्स, आपको जानना ज़रूरी है अपने बॉडी के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में। और बहुत लोगों को ऐसा लगता है लड़कियों को पूछना, जानना, उसका एग्रीमेंट होना ज़रूरी है या नहीं है, ऐसा आपका बहुत बड़ा गलतफहमी है। अगर आपका पार्टनर आपको मना कर रहा है, आपको वहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें बिल्कुल भी इन्जॉयमेंट नहीं मिलेगा। ऐसा लगेगा कि एक जिंदा लाश है और उसके साथ आप कुछ कर रहे हो। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करना चाहते हो तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है आपका, आपका एक हैप्पी मतलब इन्जॉयमेंट के लिए आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, और आपका पार्टनर का एग्रीमेंट। अगर आपका पार्टनर इसमें सहमत नहीं है तो आपको ये ट्राई नहीं करना चाहिए। अगर वो आपको अलाउ कर रहा है कि आप किस करें, आप कुछ और करें, तो वहाँ तक आपको करना चाहिए जहाँ तक वो अलाउ कर रहा है, आपको सिर्फ वहीं तक करना चाहिए। अगर वो आगे कंफर्टेबल नहीं है तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को हमेशा हर लड़के को ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं बहुत जल्दी दूसरे पार्ट के साथ। तो ये थे मेरे आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और इस वीडियो को जिसको ज़रूरत है उसको शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ को देखने के लिए। मिलती हूँ मैं बहुत जल्दी एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।